और ये आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग दे रखी है तो इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपको W X Y और Z ये डेस्टिनेशन सेंटर्स दे रखे हैं और A B C ये सोर्स दे रखे हैं आपको ठीक है ये सप्लाई सेंटर्स आपको दे रखे हैं इनके रिगार्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है और हर सप्लाई सेंटर के रिगार्डिंग टोटल सप्लाई और हर डेस्टिनेशन सेंटर के रिगार्डिंग टोटल डिमांड भी आपको दे रखी है अब क्योंकि सप्लाई का टोटल है हंड्रेड और डिमांड का टोटल है हंड्रेड तो ये एक आपकी बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो हम फाइंड आउट करेंगे इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और इसके लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड नाउ वी विल डिटरमाइन द इनिशियल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड इस मेथड के अकॉर्डिंग जो हमें दी हुई ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स है उसमें हमें लीस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना होता है और यहां जो लीस्ट कॉस्ट है वो तीन पर्टिकुलर सेल में है वन वन एंड वन तो इनमें हमें ये देखना है कि एलोकेशन किस में सबसे ज्यादा है इस पर्टिकुलर वन में सप्लाई थर्टी डिमांड ट्वेंटी तो ट्वेंटी का एलोकेशन होगा यहां सप्लाई थर्टी डिमांड थर्टी तो थर्टी का एलोकेशन होगा इस वन में फिफ्टी सप्लाई है डिमांड टेन है तो टेन का एलोकेशन होगा तो सबसे ज्यादा एलोकेशन हो रहा है आपका इस पर्टिकुलर सेल में यानी कि जो आपका वन थ्री वन कॉमर थ्री सेल है उसमें आपका एलोकेशन है थर्टी का जो बाकी के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा है तो हम इसके करिस्पॉन्डिंग एलोकेशन को फोकस करेंगे ठीक है तो यहां मैं थर्टी का एलोकेशन कर देता हूं दिस इज द एलोकेशन ऑफ थर्टी थर्टी का एलोकेशन हो गया इसके करिस्पॉन्डिंग थर्टी माइनस थर्टी इज इक्वल टू जीरो और यहां भी थर्टी माइनस थर्टी विल बी इक्वल टू जीरो ठीक है इसका मतलब जो ए के करस्पॉन्डिंग सप्लाई है वो भी जीरो और बाई के करस्पॉन्डिंग डिमांड भी जीरो तो दोनों ही से एडजस्ट हो गए तो दोनों को ही मैं यहां से एलिमिनेट कर दूंगा ठीक है यानी कि ए रो भी गई और जो बाई कॉलम है वो भी यहां से एलिमिनेट हो गया अब जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर अगेन वन मिनिमम कॉस्ट डिमांड तो एलोकेशन होगा टेन माइनस टेन दैट विल आपका जेड तो जेड यहां से आपका एलिमिनेट कर दिया जाएगा ठीक है अब जो बाकी की बची हुई टेबल है इसके अंदर मिनिमम तो तो है टू और इस टू के करेस्पॉन्डिंग ट्वेंटी इज द सप्लाई एंड फोर्टी इज द डिमांड तो यहां हम एलोकेशन करेंगे ट्वेंटी का ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी दैट विल बी इक्वल टू ट्वेंटी ठीक है क्योंकि तो सी के करस्पॉन्डिंग जीरो हो गया तो सी रो यहां से एलिमिनेट हो जाएगी ठीक है ना जो रिमेनिंग टेबल है या रिमेनिंग मैट्रिक्स है इसके अंदर थ्री मिनिमम एलिमेंट है लेकिन दोनों ही टाई कर रहे हैं पहले थ्री की बात करते हैं इस थ्री कांग्रेस फोर्टी इज द सप्लाई एंड ट्वेंटी इज द डिमांड तो ट्वेंटी का एलोकेशन होगा इसमें भी फोर्टी इज द सप्लाई एंड ट्वेंटी इज द डिमांड तो इसमें भी आपका ट्वेंटी का ही एलोकेशन होगा तो अब इन दोनों में से किसे सेलेक्ट करना चाहिए जिसके करेस्पॉन्डिंग सप्लाई ज्यादा होगी लेकिन दोनों के ही करेस्पोंडिंग सप्लाई और डिमांड इक्वल है तो इसके इसमें आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो पहले मैंने इसको सेलेक्ट कर लीजिए मानिए करेस्पॉन्डिंग फोर्टी सप्लाई है ट्वेंटी डिमांड है तो ट्वेंटी का एलोकेशन हो जाएगा ठीक है ट्वेंटी का एलोकेशन हो गया तो फोर्टी माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू बचेगा ट्वेंटी और यहाँ हो जाएगा ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो तो इस केस में आपका डब्लू कॉलम यहां से एलिमिनेट हो जाएगा क्लियर हो गया अब एक ही एलिमेंट बचा है पर थ्री इसके करेस्पॉन्डिंग ट्वेंटी की ही सप्लाई है और ट्वेंटी की ही डिमांड है रिम कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो यहां पर मैं ट्वेंटी का एलोकेशन कर दूंगा तो ये भी जीरो जाएगा ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी इज इकल टू जीरो और ये भी जीरो जाएगा ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी इज इकल टू जीरो और इस तरह से मैं दोनों को यहां से एलिमिनेट कर दूंगा क्लियर ये भी गया और एक्स भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास ये एलोकेशन कंप्लीट हो जाता है नाउल चेक वेदर द सोल्यूशन इज डी और नॉन डीजेरेट यहां आपके पास

इनिशियल सॉल्यूशन। अब डिजेनरेट को हम किस तरीके से नॉन डिजेनरेट में कन्वर्ट करते हैं इसको हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे अभी हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन वैल्यूज और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ही डिटरमाइन करेंगे इसी डी के बेसिस पर ठीक है तो अब यहां हमारे पास सॉल्यूशन वैल्यूज क्या है ये हम देख लेते हैं सॉल्यूशन वैल्यूज क्या क्या सोल्यूशन वैल्यूज दीज एक्स वन थ्री इजिकल टू थर्टी एक्स टू वन इजिकल टू ट्वेंटी एक्स टू टू इजिकल टू ट्वेंटी एक्स टू थ्री इजिकल टू टेन नॉट टू थ्री दैट इज टू फोर एक्स टू फोर इजिकल टू टेन और एक्स थ्री टू इजिकल टू ट्वेंटी तो इस तरह से आपके पास ये सॉल्यूशन वैल्यूज आ गई अब मुझे फाइंड आउट करनी है इसकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी इक्वल टू समे इन टू एक्स आई जे ठीक है अब इसकी कॉस्ट हम डिटरमाइन कर लेते हैं तो इसके लिए मुझे इसके एलोकेटेड सेल्स को काउंट करना पड़ेगा उसके करेस्पॉन्डिंग यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आएगा वन इंटू थर्टी प्लस थ्री इंटू ट्वेंटी प्लस थ्री इंटू ट्वेंटी प्लस वन इंटू टेन प्लस टू इंटू ट्वेंटी क्लियर हो गया मल्टीप्लाई करते चले इसको वन इंटू थर्टी जाएगा थर्टी थ्री इंटू ट्वेंटी सिक्सटी थ्री इंट ट्वेंटी सिक्सटी वन इंटू टेन टेन टू इंटू ट्वेंटी दैट इज़ फोर्टी ऐड कर दीजिए सिक्सटी थर्टी नाइन्टी नब्बे नब्बे और साठ एक सौ पचास एक सौ पचास एक सौ साठ और चार चालीस दो सौ तो सी जो तो कॉस्ट आ गई टी पी पी टोटल टी टी पी टी टी सी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ट इज इक्वल टू रुपीज टू हंड्रेड ठीक है छ और तीन नौ और छह पंद्रह और एक सोलह और चार पीस दो सौ रुपए आ गई लीस्ट कॉस्ट मैथड का यूज करते हुए नाउ वी विल फाइंड द इनिशियल सोल्यूशन ऑफ द गिविन प्रॉब्लम बाई यूजिंग वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मैथड क्योंकि इसको हम पेनल्टी मैथड के नाम देते हैं इसी वजह से हमें हर रो और कॉलम के रिगार्डिंग पेनल्टी को कैलकुलेट करते हुए एलोकेशन को फाइनलाइज करना है तो पहला निकालेंगे रो पेनल्टी रो पेनल्टी में वन वन डिफरेंस जीरो सेकेंड रो में स्मॉलेस्ट वन नेक्स्ट स्मॉलेस्ट टू डिफरेंस वन थर्ड में स्मॉलेस्ट टू नेक्स्ट स्मॉलेस्ट फोर डिफरेंस टू फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं स्मॉलेस्ट वन नेक्स्ट स्मॉलेस्ट थ्री डिफरेंस टू ठीक है सेकेंड कॉलम में स्मॉलेस्ट टू नेक्स्ट स्मॉलेस्ट टू डिफरेंस जीरो वन टू डिफरेंस वन वन फोर डिफरेंस थ्री मैक्सिमम इज थ्री थ्री कास्पॉन्डिंग जेड कॉलम सेलेक्ट होगा और इसके करस्पॉन्डिंग वन इज द मिनिमम कॉस्ट और इसके एलोकेशन देख लेते हैं सप्लाई इज फिफ्टी एंड डिमांड इज टेन तो यहां जो एलोकेशन होगा वो होगा टेन का इसका मतलब फिफ्टी माइनस टेन इजिकल टू बचेगा फोर्टी और टेन माइनस टेन इजकल टू हो जाएगा जीरो इसका मतलब जेड कॉलम आपका यहां से एलिमिनेट हो जाएगा जेड जाएग को यहां से मैंने एलिमिनेट कर दिया क्लियर अब मुझे अगेन पेनल्टी कैलकुलेट करनी है तो यहां पर वन माइनस वन जीरो हो जाएगी टू और थ्री डिफरेंस वन टू फोर डिफरेंस टू वन थ्री डिफरेंस टू 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 डिफरेंस जीरो वन टू डिफरेंस वन ये हो जाएगा डैस मैक्सिमम यहां पर टू है और टू यहां भी है यहां भी है इसे कैंसो वन मिनिमम है और इसका करस्पॉन्डिंग आपका टू मिनिमम है तो ये वाला वन सेलेक्ट हो जाएगा इसका मतलब इस टू को मैं सर्कल कर लूंगा और इस वन के करस्पॉन्डिंग आप क्या करोगे एलोकेशन करोगे इस वन के करस्पॉन्डिंग सप्लाई थर्टी है और डिमांड ट्वेंटी है तो यहां आप ट्वेंटी का एलोकेशन करेंगे ठीक है ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी देट विल बी इक्वल टू जीरो एंड थर्टी माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू टेन क्लियर हो गया इसका मतलब जो डब्ल्यू आपका कॉलम है वो यहां से एलिमिनेट हो जाएगा क्लियर हो गया अब पेनल्टी से कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पे टू माइनस वन वन थ्री माइनस टू वन फाइव माइनस टू थ्री हो जाएगी ये डैश हो जाएगी टू माइनस टू जीरो रहेगा या टू माइनस वन वन रहेगा ये अगेन डैश हो जाएगी थ्री मैक्सिमम हो जाएगा इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आप देखेंगे आपका सी रो सेलेक्ट होगी और सी के अस्कॉर्डिंग टू इज द मिनिमम टू मिनिमम है इसका क्या सप्लाइन ट्वेंटी की है सप्लाई है, और फोर्टी की है डिमांड तो यहाँ मैं एलोकेशन करूंगा ट्वेंटी का और ट्वेंटी के एलोकेशन साथ में ये भी रहेगी ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो एंड फोर्टी माइनस ट्वेंटी ये बचेगा यहाँ पर ट्वेंटी ठीक है इसका मतलब आपका जो सी रो है वो एग्जॉस्ट हो गई और इसके एग्जॉस्ट होने से हम इसको यहाँ से हटा देंगे अगेन पेनल्टी कैलकुलेट कर लेते हैं हम टू माइनस वन वन थ्री माइनस टू वन ये हो जाएगी डैस ये भी हो जाएगी डैस थ्री माइनस टू वन टू माइनस वन वन हो जाएगी टैस अब सब जगह बनाया आया इसके करस्पॉन्डिंग ये सेलेक्ट होगा वन इसके करस्पॉन्डिंग ये सेलेक्ट होगा टू इसका करस्पॉन्डिंग ये वन सेलेक्ट होगा ठीक है और इसका करस्पॉन्डिंग ये टू सेलेक्ट होगा तो वन इज द मिनिमम तो इस वन को सेलेक्ट करेंगे तो हमने इसको सर्किल कर दिया तो बाई कॉलम आपका सेलेक्ट होगा इसमें वन को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये मिनिमम कॉस्ट है इसके करेस्पॉन्डिंग टेन की है सप्लाई और थर्टी की है डिमांड तो इसका मतलब हमारा एलोकेशन होगा टेन का तो इस वन के करेस्पॉन्डिंग टेन का कर दिया मैंने एलोकेशन टेन माइनस टेन इक्वल टू जीरो ए रो यहां से एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो चुकी है अब केवल एक ही रो बची है यहां पर आपके पास बी रो तो इसमें जो मिनिमम है वो टू आ जाएगा टू के करस्पॉन्डिंग फोर्टी की सप्लाई है और ट्वेंटी की डिमांड है तो मैं यहां पर ट्वेंटी का एलोकेशन करूंगा क्लियर है ट्वेंटी 20 -20 वो यहां से हट जाएगा ठीक हम बात करेंगे लास्ट बचेगी हमारे पास एलिमेंट दैट इज थ्री इसका करिस्पॉन्डिंग ट्वेंटी सप्लाई है ट्वेंटी की डिमांड है तो ट्वेंटी का एलोकेशन कर देंगे तो रिम कंडीशन सेटिस्फाइड होगी हमारी ये भी जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा दोनों पिक्चर से गायब हो जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास एलोकेशन कंप्लीट हो जाता है नाउ वी विल चेक वेदर द सोल्यूशन इज डिजेनरेट और नॉन डिजेनरेट तो एलोकेशन कितने ऑप्टेन हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है और होने कितने चाहिए हमारे पास एम प्लस एन माइनस वन एम है थ्री एन है फोर थ्री प्लस फोर सेवन माइनस वन सिक्स तो सिक्स ही एलोकेशन चाहिए और सिक्स ही हमें मिले हैं इसका मतलब ये क्या है दिस इज नॉन डिजेनरेट इनिशियल सॉल्यूशन पॉइंट क्लियर हो गया ना अब हमें क्या करना है अब हमें इसकी सॉल्यूशन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है तो जो सॉल्यूशन वैल्यूज हमें दे रखी है उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं सॉल्यूशन वैल्यूज सोल्यूशन वैल्यूज दे रखें आप आ, क्या क्या डिटरमाइन हुई हमारी एक्स वन वन इजिकल टू ट्वेंटी एक्स वन थ्री इजिकल टू टेन एक्स टू टू इजिकल टू ट्वेंटी एक्स टू थ्री इजिकल टू ट्वेंटी एक्स टू फोर इजिकल टू टेन और एक वैल्यू लास्ट हो चाहिए पास एक्स थ्री टू दैट इजिकल टू ट्वेंटी now we विल फाइंड टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड दिस विल be इक्वल टू summation cij into इंटू एक्स ठीक है तो मुझे सी आई जे को एक्स आई जे से मल्टीप्लाई करते हुए टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फाइंड आउट करना है क्लियर फाइंड आउट कर लेते हैं उसको कितनी आएगी वन इंटू ट्वेंटी प्लस वन इंटू टेन प्लस थ्री इंटू ट्वेंटी प्लस टू इंटू ट्वेंटी प्लस वन इंटू टेन और प्लस टू इंटू ट्वेंटी ठीक है मल्टीप्लाई कर करिए इसको वन इंटू ट्वेंटी ट्वेंटी वन इंटू टेन टेन थ्री इंटू ट्वेंटी सिक्सटी टू इंटू टू ट्वेंटी फोर्टी वन इंटू टेन टेन टू इंटू ट्वेंटी देट विल बी फोर्टी इसको अब ऐड कर लीजिए बीस और दस तीस और साठ नब्बे नौ चार तेरह सौ तीस तीस और दस ये चालीस और चालीस एक सौ अस्सी कितना आ गया ये दैट इज इक्वल टू रुपीज वन एट्टी ए चेक कर लीजिए से का सॉल्यूशन, चार और एक पाँच और चार नौ और छः पंद्रह और एक सोलह और अठारह तो इस तरह से जो वगल्स अप्रॉक्सीमेशन मैथड है इसके अकॉर्डिंग जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इट विल बी इक्वल टू रुपीज वन एटी ओके थैंक यू